पैसेंजर को ही सेफ नहीं पहुंचाना है भाई, अपने आप भी खुद सेफ रहना है, अपने आप भी खुद सेफ रहना है। ताकि राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में करता हूं भाई आपका बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है भाई 27 जून 2023 और टाइम हुआ है सुबह के 5:50 हुए हैं। तो भाई बुकिंग का वीडियो तो मैं नहीं डाल पाऊंगा आज, क्योंकि कल मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया था गाँव में। तो भाई आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, उसके बदले में आपके लिए उम्मीद है कि ये आजकल के मौसम में बहुत ही काम आने वाला है नए ड्राइवर भाइयों को, और जो एकदम नई नई ड्राइविंग सीख के इस लाइन में आए हैं, या प्राइवेट गाड़ी भी चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं, किसी भी तरह की गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए भाई महत्वपूर्ण है ये वीडियो आज का। तो भाई आखिर तक देखना है, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। तो भाई आज का जो अपना वीडियो है वो है बारिश के मौसम के ऊपर। जो है बारिश आजकल दिल्ली में चल रही है लगातार कंटिन्यू, पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, दिन में भी रात में भी, और रात में भी हो रही है तो रात में विजिबिलिटी हो जाती है कम, दिन में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और बारिश तेज हो जाए तो हो रही है वाटर लॉगिंग, तो ट्रैफिक में बहुत बहुत देर तक फंसना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में, बारिश के इस मौसम में क्या क्या सावधानियां हैं जो हम ड्राइवर भाइयों को बरतनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कार के ड्राइवर हों या टैक्सी ड्राइवर हों या फिर ऑटो ड्राइवर हो, किसी भी तरह की गाड़ी आप अगर चला रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसी के बारे में है भाई ये वीडियो। तो भाई आज के वीडियो शुरू करते हैं, तो सारे भाई भाई आखिर तक देखना है, स्किप मत करना, कोई पॉइंट छूट जाएगा तो फिर कभी उस सिचुएशन में आप फंसोगे तो फिर उस टाइम फिर गूगल पर सर्च करोगे मेरा, नहीं तो किसी और भाई का ढूंढोगे कैसा हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो भाई बारिश के सीजन में ना सबसे पहला सीएनजी कार वालों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है गाड़ी में कम से कम 10 लीटर पेट्रोल हमेशा रहना चाहिए, कम से कम 10 लीटर। क्योंकि भाई सीएनजी पे जो हम ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं तो उनको पेट्रोल रखने की आदत रहती है कम, और कई बार क्या रहता है जैसे बारिश हो गई, वाटर लॉगिंग कहीं पे हो गई, तो इतना लंबा जाम लग जाता है, करीब करीब 2-2 घंटे का तो नॉर्मल जाम लग जाता है, तो उसमें भाई हमारी जो सीएनजी है ना वो खत्म होने का रहता है पूरा चांस। कई बार हम रिजर्व में भी सीएनजी आ जाती है तो भी बुकिंग उठा लेते हैं, भाई चलो 10 किलोमीटर ही तो छोड़ना है उसके बाद ले लेंगे सीएनजी, मगर ऐसी गलती भाई बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जाम में अगर कहीं पे फंस गए ना तो जाम तो लग जाता है 2-2 घंटे का, 2 घंटे में सीएनजी खत्म, तो उस सिचुएशन में काम आएगा भाई अपना पेट्रोल। तो पेट्रोल कम से कम 10 लीटर अपनी गाड़ी में जरूर होना चाहिए, अगर आप इकट्ठा नहीं डलवा रहे हो तो 200-300 का जब भी सीएनजी डलवाओ तो डलवाते रहो, मगर कम से कम 10 लीटर आपकी गाड़ी में भाई पेट्रोल रहना चाहिए। और दूसरा भाई आपकी स्टेफनी, चारों टायर प्लस स्टेफनी, तो आपके चारों टायर बढ़िया कंडीशन में होने चाहिए, एकदम एक्यूरेट, उसमें हवा का प्रेशर रहना चाहिए, और इस टायर वगैरह चेक करने के चक्कर में रह जाता है बेचारा स्टेपनी वाला टायर, तो स्टेपनी वाला टायर जरूर ध्यान देना इस वाले सीजन में, क्योंकि इमरजेंसी में क्या रहता है ना भाई, बारिश में जब बारिश होती है तो जो रेत में मिट्टी में कहीं भी जो भी कील वगैरह दबी रहती हैं बारिश में आ जाती हैं भाई ऊपर, और कहीं से बह के भी आ जाती हैं रोड के ऊपर, तो बारिश में पंचर होने का रहता है सबसे ज्यादा चांस। तो भाई अपनी स्टेपनी जरूर चेक करना, और स्टेपनी अगर आपकी ट्यूबलेस है तो 101% चेक करना, क्योंकि जब भी मौके पर जरूरत पड़ती है ना स्टेपनी की तो ट्यूबलेस टायर में हवा ही नहीं मिलती, ट्यूब वाले में तो फिर भी जैसा है वैसा रहेगा आपका। तो भाई अपनी स्टेपनी हर रोज चेक करो, निश्चिंत होकर भाई गाड़ी चलाओ बारिश के सीजन में। और भाई अगला जो पॉइंट अपने, चारों इंडिकेटर हेडलाइट हमेशा प्रॉपर चेक करो, सब ठीक तरीके से काम कर रही हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट का इंडिकेटर, हेडलाइट, सब कुछ, हाई बीम लो बीम हर चीज चेक करो भाई, गाड़ी से एक बार नीचे उतर के सारा अच्छी तरीके से चेक कर लेना सुबह सुबह, ताकि भाई अगर कोई लेफ्ट राइट आपने जाना पड़े तो इंडिकेटर नहीं चल रहा है और दिक्कत आ जाए। अगला पॉइंट है भाई ब्रेक पैड का, ब्रेक पैड अपने रहने चाहिए एकदम ठीक, ब्रेक पैड अगर ठीक नहीं होंगे तो भाई बारिश में ब्रेक लगना हो जाता है कम, और थोड़ा दूर जाके गाड़ी रुकती है, तो इस वजह से ब्रेक पैड में अगर आवाज़ आपके आ रही है खत्म होने की, चू चू करके आवाज आती है, ब्रेक पैड जब खत्म होने को हो जाते हैं तो भाई ब्रेक पैड डलवा लो बारिश सीजन से पहले ही, या जब आप
लगे खाप तो डलने ही चाहिए, तो तुरंत भाई ब्रेक पैड डलवाओ। और ब्रेक ऑयल का खास कर ध्यान रखना भाई, ब्रेक ऑयल भी चेक कर लेना। वैसे तो हम सर्विस कराते हैं जब से सारी चीजें चेक हो जाती है, मगर एक बार खुद भी देख लेना चाहिए। तो भाई ब्रेक पैड जरूर चेंज करा लो जिसके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक लगने हो जाते हैं कम। और एक भाई जो अपने आगे गाड़ी है ना उससे थोड़ा सा दूर रखो, जो हम नॉर्मल मौसम में गाड़ी चिपका के भी चला लेते हैं, तो उस इस टाइम पे बारिश के मौसम में थोड़ा सा दूरी बना के रखो। क्योंकि भाई जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी जिस तरीके से हमारी रुकती है ना, वैसे बारिश में नहीं रुक पाती है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा ये गैप बना कर रखो गाड़ी में बारिश के सीजन में। और भाई कहीं भी जा रहे हो आप, चाहे दिल्ली में किसी कोने से किसी कोने में जा रहे हो, या गुड़गांव जा रहे हो, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, तो पहले एक बार भाई गूगल में नेविगेशन डाल कर देख लो, जो कहीं बीच में जाम जूम तो नहीं लग रहा है, तो वो रास्ता थोड़ा अवॉइड करके भी जाया जा सकता है भाई। और भाई गाड़ी में दो अम्ब्रेला रखो छोटे वाले, गाड़ी में दो अम्ब्रेला रखो छोटे वाले, जिसमें एक पैसेंजर को काम आ जाए और एक आपको काम आए। क्योंकि भाई गाड़ी में सामान वामान रखने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ता है, तो बारिश अगर हो रही होगी तो भीगोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो भाई दो अम्ब्रेला गाड़ी में जरूर रहने चाहिए छोटे वाले। तो अगर जिस भाई के पास नहीं है तो भाई आज ही खरीद लो, कोई ज़्यादा महंगा आइटम है नहीं है। और बाकी तो सारा सामान अपनी गाड़ी में भाई रहता ही है, सिर्फ एक अम्ब्रेला का मुझे लग रहा है इश्यू होगा, अम्ब्रेला बहुत कम ड्राइवरों के पास रहता है। तो दो अम्ब्रेला भी भाई खरीद लो छोटे वाले, जो कि अपने बारिश होगी तो हमें भी काम आए और पैसेंजर को भी काम आए। और अगर आप चल रहे हो गाड़ी लेके और पानी भर गया है कि तब पानी लॉगिंग होगी है, तो उसमें गटर सिवर का बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना है भाई। ये ना कि अपना हीरो पंथी मरा मेरी तो गाड़ी निकल जाएगी, ऐसी गलती ना करो यो भाई, बिल्कुल होशियारी से या तो कोई बस वगैरह निकलने देना, या टेम्पो कोई ऊंचे टायर का साधन जो है निकल जाए आराम से, उसका अंदाजा लगा के कितने लेवल पानी है, तो उसी के हिसाब से भाई निकालना गाड़ी को। अपने फिजूल में फंस के खड़े होने में कोई फायदा नहीं है, खाम खा की ये दिखाने में कि भाई मैं तो प्रो ड्राइवर हूँ, मैं तो निकाल ले जाऊंगा, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला। जब फंस जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, गलती कर दी तो ऐसी ऐसी कहानी करनी ही नहीं है कि हमने अपने आप से, हमें अपने आप को ऐसा महसूस हो भाई गलती कर दी। तो पहले और बहुत साधन भाई रोड पे चल रहा, एक बार निकल के देखने दो, फिर अपनी कार को भी निकाल लेना अगर ठीक तरीके का लेवल है तो। और भाई साइड मिरर, साइड मिरर आपका लेफ्ट और राइट दोनों, और एक डेस्क बोर्ड वाला मिरर जो बैक साइड हम देखते हैं, तो वो एकदम प्रॉपर सेट रहने चाहिए। ये नहीं वो टूट रहा है तो उसको चलाते रहे, क्योंकि भाई बारिश में विजिबिलिटी हो जाती है कम। तो और इंडिकेटर का प्रॉपर इस्तेमाल करो, लेफ्ट राइट का जो है सब वैसा मैंने बता ही दिया है, चेक करो। और इंडिकेटर जरूर यूज करा करो भाई, जब भी गाड़ी चलाओ, और अगर बारिश हो रही है तो आप चारों इंडिकेटर चला के भी गाड़ी चला सकते हो। तो अपने मिरर, तो अपने भाई मिरर, इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक पैड, क्लच पैड भी चेक कर लेना, और एक अल्टरनेटर की जो बेल्ट होती है ना भाई, उस पर पानी लगता रहता है, उसका भी टूटने का खतरा हो जाता है, वो उसको भी एक बार चेक करा लेना मिस्त्री से। ब्रेक ऑयल, और उचित दूरी पे भाई गाड़ी रखनी है सामने वाले से, वाटर लॉगिंग हो रखी है तो उसमें से एकदम अंधाधुंध गाड़ी नहीं घुसा देनी है। और पेट्रोल 10 लीटर गाड़ी में कम से कम रहना चाहिए। दो अपनी सेफ्टी के लिए दो अम्ब्रेला भी खरीद लेना। और ये कुछ पॉइंट जो है मैंने आपको बताए हैं, तो भाई इन पर जरूर ध्यान देना। ये मत सोचना कि भाई ये भी कह वाला बता रहा है अपना वीडियो बनाने के चक्कर में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ ये एक जो एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, हमने जो जो समस्याएं आ सकती हैं आपको ट्रैफिक में बारिश के सीजन में, वही आपसे शेयर करी जाती हैं। इसमें वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं, मैं तो अपना सिर्फ ये दिखा रहा हूँ भाई, मैं तो वीडियो डालता हूँ, इस वजह से ये वीडियो बना दिया बस ऐसे ही। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और अपने सेफली तरीके से गाड़ी चलानी है। पैसेंजर को ही सेफ नहीं पहुँचाना है भाई, अपने आप भी खुद सेफ रहना है, अपने आप भी खुद सेफ रहना है, ताकि हम भी भाई अच्छे तरीके से काम करते रहें। तो बस इसी उम्मीद के साथ भाई ये वीडियो बनाया है कि आप सारे भाई इन टिप्स को फॉलो करोगे और सेफली गाड़ी चलाओगे और अपने बढ़िया अच्छे तरीके से काम करोगे। तो भाई इसी उम्मीद के साथ वीडियो आया होगा पसंद, और अगर पसंद आ गया है तो भाई बार बार बोलता हूँ लाइक शेयर कमेंट, और शेयर भी कर देना ताकि भाई दूसरे ड्राइवर भाइयों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो में तो भाई इतना ही, तो सारे भाइयों को भाई विक्की खत्री की तरफ से राम राम।
जय हिंद, जय भारत।